सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप अपने चैनल पे व्यूज़ कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन उन पे 24 घंटे में सिर्फ 5 व्यूज़, 10 व्यूज़ या 20 व्यूज़ आते हैं। तो आप ऐसे क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते हैं? क्या आप टाइटल सही नहीं लिखते, डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखते या वीडियो में अच्छे से बोलते नहीं हो? आखिर व्यूज़ आते कैसे हैं? आप अपनी यूट्यूब वीडियो पर व्यूज़ कैसे लाएंगे? क्योंकि अगर आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे तभी आपके सब्सक्राइबर कम होंगे, और मतलब कि बढ़ेंगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, तभी आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा और तभी आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा। और मोनेटाइज होने के बाद भी अगर व्यूज़ नहीं आते तो आप यूट्यूब से कुछ नहीं कमा सकते, बिल्कुल भी आपको 1 रुपया भी नहीं मिल सकता, क्योंकि व्यूज़ ही ज़रूरी है। व्यूज़ आएंगे तभी आपको यूट्यूब से डॉलर मिलेंगे, है ना। मैंने बहुत वीडियो में आपको बताया कि कितने रुपए में कितने व्यूज़ का कितना डॉलर मिलता है, आप मेरी वीडियोज़ को जाके देख सकते हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि आप सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास पेड वॉच टाइम, पेड सब्सक्राइबर भी अवेलेबल है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिंपली हम यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझेंगे, यूट्यूब की मशीन को समझेंगे, कैसे आप अपनी वीडियो पर व्यूज़ ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपकी वीडियो पे व्यूज़ आने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और उन सब के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी वीडियो में एवरीडे 1K 2K व्यूज़ तो आ ही जाएंगे, अगर आपके सब्सक्राइबर अच्छे हुए तो, ठीक है। सबसे पहले क्या बात है गाइस, क्या होता है कि आपके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप क्या हो सकता है, आप कभी कभी मिक्स कंटेंट करते हो, जैसे टेक्नोलॉजी की वीडियो आप डालते हो, ठीक है, लेकिन आपने मिक्स कर दिया, कोई म्यूज़िक का या कुछ ऐसा कंटेंट डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक का आपका चैनल है उसी प्रकार की वीडियो आपको डालनी है, यानी जो टॉपिक है उसी प्रकार की वीडियो आपको डालनी है ताकि ऑडियंस वैसी रहे। क्योंकि अगर आप मिक्स कंटेंट डालोगे तो मिक्स ऑडियो आए, मिक्स ऑडियंस आएगी। भैया मैं भी ऑडियो बोल रहा हूँ, है ना, बीच बीच में थोड़ा सा हो जाता है। तो मिक्स ऑडियंस तभी हो सकती है अगर आपका मिक्स कंटेंट है, यानी अगर आपने ऐसा चैनल खोला है जो अलग कैटेगरी का है तो आप जो है मिक्स चीज़ें डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई चैनल खोला अपने नाम से तो आप उसमें मिक्स कंटेंट डाल सकते हो, लेकिन अगर आपका चैनल एक टॉपिक का है जैसे टेक्नो यानी टेक, है ना, तो आप जो है एक सेकेंड गाइस, दूसरा फ़ोन बज रहा है, काट दिया, एक सेकेंड मैं इसको साइन इन कर देता हूँ। हाँ, तो आपको जो है उसी कंटेंट के ऊपर, मतलब कि जो आपका टॉपिक है वही कंटेंट आपको अपने चैनल पे अपलोड करना है। दूसरी चीज़, यूट्यूब का एल्गोरिथम, जिसको हम बोलते हैं यूट्यूब की मशीन या एल्गोरिथम, जिसके ऊपर आपकी वीडियो अगर आ जाए तो वो आपकी वीडियो को वायरल भी कर सकता है, है ना, अगर ना आए तो आपकी वीडियो को वायरल भी नहीं करेगा। क्या होता है गाइस, कभी कभी यूट्यूब का सिस्टम थोड़ा सा डाउन हो जाता है, है ना, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर लाखों चैनल बनते हैं, दिन में लाखों करोड़ों वीडियोस अपलोड होती है, है ना। तो अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम आपकी वीडियो को समझ जाता है तो वो लोगों तक रेकमेंड कर देता है, कभी कभी नहीं भी करता है, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, या आप लोगों ने जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि विशाल भाई आपके तो नोटिफिकेशन ही नहीं आई, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब जो है वो वीडियोस की नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता, ठीक है, तो लोग है तो उनके होम्स कि यूट्यूब के होम पर या सब्सक्रिप्शन में जाकर तब जाके वो वीडियोस देखते हैं, या फिर हम अपनी वीडियो को कहीं शेयरिंग करते हैं। हालांकि बोलते हैं कि भाई वीडियो शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए गाइस, कोई दिक्कत नहीं इससे, है ना। तो अगर आप जो है अगर
आपकी वीडियो कहीं मतलब शेयरिंग होती है तो लोग देखते हैं ना, तो नोटिफिकेशन का भी इश्यू हो जाता है ना। या फिर आप टाइटल, जो वीडियो का टाइटल है वो अगर आप अच्छे से नहीं लिखते हो, मैंने पहले आपको बता रखा है पिछली वीडियो जो मैंने सब्सक्राइबर बने बताई थी उसमें मैंने बताया था कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग्स ये आपका अच्छा होना चाहिए, थंबनेल आपका अच्छा होना चाहिए ताकि लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करें और आपकी वीडियोस को वॉच करें, है ना। अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है गाइस, कुछ लोग क्या कहते हैं, आपकी वीडियो पर क्लिक किया, बस 30 सेकेंड 40 सेकेंड देखा और आपकी वीडियो को हटा दिया। तो वो भी होता है कि 30 सेकेंड 40 सेकेंड का यूट्यूब व्यूज़ कंटेंट करता है, काउंट नहीं करता है ना। यूट्यूब जो है 1-2 मिनट तक आपकी वीडियो को लोग देखते हैं तो जाके व्यूज़ काउंट करता है। कभी कभी क्या होता है, आप सब्सक्राइबर एक दिन मैं अपने दोस्तों को बोल दिया बढ़ा दिया सब्सक्राइबर, तो वो सब्सक्राइबर ड्रॉप भी हो जाते हैं क्योंकि लोग जो है आपकी वीडियो को देखते नहीं है और वो यूट्यूब जो है समझता है कि वो फेक है ना, इसलिए आपके सब्सक्राइबर को यूट्यूब जो है ड्रॉप कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंस, आपको अपनी वीडियो में सस्पेंस बना के रखना है ताकि जो व्यूअर है वो आपकी वीडियो पर बने रहें और आपके जो उसका व्यू हो वो काउंट हो, वीडियो का व्यू जो है वो काउंट हो, ठीक है। गाइज ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े चैनल्स के छोटे छोटे चैनल्स के साथ ऐसा होता है कि व्यूज़ नहीं आते, बड़े चैनल का साथ भी ऐसा होता है। आप देखना टेकनगन योगी है ना, टेकनगन योगी सर के 18 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, तो उनके व्यूज़ जो है कभी कभी वन आवर में 1K 2K ही होते हैं, है ना। हालांकि व्यूज़ आने चाहिए लेकिन कभी कभी 1K 2K ही होते हैं, तो ये जो व्यूज़ वाली प्रॉब्लम है ये बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी होती है, लेकिन वो लोग मैनेज कर लेते हैं किसी हिसाब से, है ना, और एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको भी एडजस्ट करना है ना, और व्यूज़ आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि व्यूज़ आएंगे तभी आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा, है ना। और अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, मोनेटाइज के बाद भी व्यूज़ ही ज़रूरी है। अगर आप कोई स्पॉन्सरशिप लेते हो तो आपके लिए व्यूज़ बहुत मायने रखते हैं, वो जो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देगी वो यही पूछती है कि भाई आपके व्यूज़ कितने आते हैं, या फिर आपके चैनल को खुद ही देखने की समझ आएगी कि आपके व्यूज़ कितने आते हैं। तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, साथ ही साथ व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो क्योंकि लोग ज़्यादातर शॉर्ट्स देखते हैं, तो रोज़ का ज़्यादा नहीं एक शॉर्ट डाल के देखो, है ना, 5 से 7 के बीच में, यानी 5 बजे शाम को 5 बजे से शाम के 7 बजे तक के बीच में देखो, है ना, तो आपके व्यूज़ हो सकता है आ जाए। क्योंकि क्या है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो नहीं डाल सकते, डाल सकते हो, शॉर्ट वीडियो से व्यूज़ जो आएंगे वो लॉन्ग वीडियो को भी देखेंगे ना, जो ऑडियंस आएगी वो लॉन्ग वीडियो को भी देखेगी। अब आपको लॉन्ग वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने तो आप बाकी वीडियोस के बढ़ाने तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में, कार्ड्स में, इन सब चीज़ों में आप उन वीडियोस का लिंक दे सकते हो व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो लोग जो आपकी वीडियो को विजिट करेंगे, ठीक है, और वो जो है आपकी वीडियो को देखेंगे और आपके व्यूज़ जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरा 2K सब्सक्राइबर है तो मेरे व्यूज़ नहीं आते, मैं खुद कहता हूँ कि मेरे व्यूज़ नहीं आते, पर आने चाहिए। अगर 2K सब्सक्राइबर भी है तो 400-500 डेली के व्यूज़ आने चाहिए, है ना। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, मतलब कि मान लीजिए 1 लाख सब्सक्राइबर है तो डे के 10K 20K व्यूज़ आने चाहिए। आप टेक्निकली गुरु जी को देख सकते हो, है ना, आप हमारे अपने पारस भाई को ही देख सकते हो। देखो पारस भाई अगर वीडियो सुन रहे हैं तो बुरा मत मानना, है ना, मैं आपका एग्जांपल ओनली समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब कि पारस भाई का एग्जांपल जो है मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, तो आप हेट मत बनाना भाई, है ना। तो कभी कभी पारस भाई की वीडियो में भी होता है कि भाई 3-4 घंटे में 400-500 व्यूज़ आ जाते हैं, और कभी कभी 200-300 भी रहते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम की भी बात होती है, ठीक है, और थोड़ा यूट्यूब का एल्गोरिथम घटता बढ़ता रहता है, उस वजह से व्यूज़ भी घट जाते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, जैसे एल्गोरिथम ठीक होता है तो व्यूज़ जो है आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी परसों एक वीडियो डाली है हाउ टू ट्रांसलेट ऑन वॉइस, है ना, बहुत बढ़िया वीडियो है, किसी ने नहीं देखी है तो भाई जाके देख लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। तो उस पर 113 व्यूज़ हो गए, है ना। तो वही बात है कि कई कई वीडियो मेरी चल जाती है, कोई कोई वीडियो नहीं चलती, सीधा वो रुक जाती है यार 0 पे ही, या 5-10 व्यूज़ आते हैं, तो यही बात है, है ना। तो इस तरह से आपके व्यूज़ आ सकते हैं गाइस, जो मैंने आपको टिप्स दी है, ठीक है, ट्रिक्स और टिप्स बताई है, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूँ आप आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जो नया जाना होगा, सीखा होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।